पता चला 47 लाख बच्चों ने, 47 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा पीटी का, 47 लाख युवाओं ने, और उन 47 लाख युवाओं को यह कहा गया कि पीटी की परीक्षा प्राप्त पास करनी पड़ेगी। युवाओं ने कहा क्यों पास करनी पड़ेगी, बोले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी है, तुम लेखपाल बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम क्लर्क बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती में सेलेक्ट होने के काबिल हो कि नहीं हो, पहले इसकी परीक्षा दो तब लेखपाल की परीक्षा दे। पता है आपको, यह है पीटी की परीक्षा। पीटी की परीक्षा से कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको, पीटी की परीक्षा से इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपनी योग्यता साबित करनी है कि वो लेखपाल बनने के काबिल है। बारे बाबा योगी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अंगूठा टेक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं। बाबा जी पढ़े लिखे, मैं उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अगर आप पूछे यूपी के मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है, सरकार कहती है अंगूठा टेको तब भी बन सकता है। पूछे शिक्षा मंत्री बनने की योग्यता क्या है, सरकार कहती है अंगूठा टेक है फिर भी शिक्षा मंत्री बन सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बनने की योग्यता क्या है, अंगूठा टेक है तब भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। अरे उच्च शिक्षा का, विश्वविद्यालय का मंत्री बनने की योग्यता क्या है, अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। सांसद बनने की योग्यता क्या है, डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। अरे विधायक बनने की योग्यता क्या है, बोले अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या, बोले अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। संजय सिंह, मैं नौजवान साथियों आपसे पूछना चाहता हूं, कोई योग्यता है क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए, कोई योग्यता है, कोई योग्यता है, कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है, विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है, सांसद बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है, शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती। लेकिन एमए करके, पीएचडी करके, बीए पास करके, बीकॉम करके, इंजीनियरिंग करके भी अगर आपको लेखपाल बनना है तो सरकार पूछती है तुम्हारे अंदर योग्यता है कि नहीं, पहले पीटी का एग्जाम दो। इसलिए ये पीटी का एग्जाम नौजवानों का शोषण है। मैं चाहता हूं यूथ विंग के लोग लखनऊ के अंदर आंदोलन करें, अनशन करें, प्रदर्शन करें, छात्र विंग के लोग इनके साथ मिलकर आंदोलन करें, ये पीटी का एग्जाम बंद होना चाहिए, हम कोई पीटी का एग्जाम नहीं देंगे। बताओ बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तुम्हारा लड़का जैसा धनिया बेच के हजारों करोड़ कमाएगा, उसकी योग्यता नहीं चेक करते, उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया बेटा, हजारों करोड़ क्रिकेट के नाम पे लूटो, अमित शाह के बेटे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मेरठ में रहने वाला, बागपत में रहने वाला, नोएडा में रहने वाला, गाजियाबाद में रहने वाला, उसको बलिया भेजोगे, उसको गाजीपुर भेजोगे, गाजीपुर वाले को गाजियाबाद भेजोगे, बरेली वाले को बलिया भेजोगे? मुझे शर्म आती है उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार पे, जो हमारे नौजवानों को जानवरों की तरह गाड़ी में भर के, बसों में भर के पिछले दो दिनों से परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ रहा है, एक एक हजार किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अरे ऐसे तो जानवर भी नहीं जाते जैसे तुम नौजवानों को लेकर जा रहे हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।